एक मिनट, ब्रज 84.com इस वक्त आज पोरबंदर के उस जगह पे उस महासंत के सरमुख विराजमान है कैमरा, जिसको पोरबंदर नगर के अंदर रोटला वाले बापू के नाम से जाना जाता है। रसिक भाई रायचूरा खीरसरा का रहने वाले हैं, जिनकी जीवन में तीन लड़के हैं, सुधीर, भरत, हरीश। उन सबको छोड़ने के बाद में भी आज ये जीवात्माओं पर दया करने का कार्य करते हैं, और ये उनकी झोंपड़ी है जो पोरबंदर के हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब में है, जहाँ रोटला वाले बापू का ये सब व्यवस्था है, और वो यहीं से गरीबों के लिए खाने पीने का इंतजाम, रोटला भाजी जो कुछ भी उन्हें करना है उसके ये साधन भी मौजूद हैं। श्री यमुना जी की कृपा से हम इनके गौर हैं, और ये जो ब्रज84.com की जो वेबसाइट बनाई हुई है, हमारे इन्हीं के पोते सुधीर भाई के लड़के कार्तिक भाई रायचूरा ने बनवाई थी। मैं यहाँ मोरझरिया की कारू भाई के लड़के की जान में इस वक्त आया हुआ था, बाबा को मैंने कोशिश की, हॉस्पिटल में मालूम पड़ा कि वो इस समय नहीं है, सुबह सेवा में होते हैं या शाम को, इस समय चौबा जी आप उनको मिलना है तो उनके उस स्थान पर जाइएगा जहाँ वो मिलेंगे। मैं रसिक बाबा से ये बात करने की कोशिश करूँगा। बाबा आपको ये सेवा करते हुए कितने साल हो गए? 26 साल। 26 साल से आप कंटिन्यूस, लगभग आपके इन हाथों से रोज कितने जीवों पर दया हो जाती है? 100 सवा सौ मानसों का दोनों टाइम देती हैं आप जिमने का? क्या क्या देती हैं जिमने में पापा? बैग बैग चाक रोटली रोटला असाउ छास ये बद्दू ये आप तैयार करवाते हैं यहीं से? यहीं से तैयार होकर के वो सब जगह जाता है। ये हैं रोटला वाले बापा, जिन्होंने अपनी जिंदगी तपस्या में निकाल दी और आज घर गृहस्थी से परे होकर के अलग इस जगह पर रहते हैं जहाँ इनकी गृहस्थी नहीं मिलती, गृहस्थी का कोई सदस्य नहीं, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, सेवक हैं, जो बाबा का हाथ बटाते हैं, बाबा के दिशा निर्देशन में कार्य करते हैं, वही जन यहाँ आते हैं। ये उनकी सेवा पूजा जो कुछ है, ज़्यादा संग्रह नहीं है उन पर। ये हमारी बाय ये सेवा करने के बाद आपको बापा कैसा लगता है, आपके मन को कैसा महसूस होता है? शांति मिलती है। हम ये चाहेंगे कभी आप ब्रज पधारें, किसी समय यात्रा ब्रज 84 कोष में भी ऐसा ही कुछ आयोजन करें। एक बार इस वक्त अभी अभिषेक बाबा पोरबंदर वाले कन्नू बाबा के लाल जी, उनका प्रस्ताव है 2013 में 84 कोष की यात्रा करने का। अगर बापा आप भी निकलेंगे तो यहाँ से कुछ और भी वैष्णव निकलेंगे, हो सकता है कि सुधीर और माया भी निकले और कार्तिक की लगन भी हो जाएगी तब तक। तो मैं ब्रज 84 कोष की तरफ से आपसे सादर निमंत्रण देता हूँ, यमुना जी की तरफ से आपको निमंत्रण देता हूँ, गिरिराज जी की तरफ से आपको निमंत्रण देता हूँ कि आप ब्रज में पधारें, और जिस तरह से आपने पोरबंदर में कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कि रोटला वाले बापू के नाम से आप जाने पहचाने जाते हैं, ऐसा ही कुछ हमारी ब्रज पर दया हो, ब्रज में आप पधारें, मैं आपके लिए साधारण आमंत्रित करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे महाराज?
यहाँ से छोड़ के कहीं नहीं जाता बापा। हाँ बापा, मैं ये मेरे को मालूम है, जब से आपने ये सेवा को अपने माथे पे लिया है तब से आप कभी यहाँ से छोड़ के नहीं जाते हैं, और जाते हैं तो एक दो दिन के अंदर वापस आ जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि ब्रजवासियों के कल्याण के लिए, ब्रज के कल्याण के लिए आप एक पगला उठा करके एक बार ब्रज पधारें। आप कहेंगे तो मैं यहाँ से आपके लिए सारे साधनों का इंतजाम करवाने का प्रयास करूँगा, जमुना जी से मेरे वैष्णव हैं ऐसे जो आपका खर्चा उठा सकते हैं, आपको यहीं से गाड़ी में लेके जाएं और यहीं गाड़ी में ले आएं। कौन है आपका? ऐसे कई जजमान है, हमारा मोटा सेठ ही आपका राय चौराई रघुवंशी मसाले वाले मोटा सेठ है, मधु सेठ है, मधु भाई कनक भाई, हाँ दोनों को पहचानते हैं आप उनको पहचानते हैं, जैसे आप हमारा खेतर है ऐसे वो ही हमारे हैं। हम उन्हीं लोगों के ऊपर, आप लोगों के ऊपर इस देश में आते हैं, हमारा और कौन है यहाँ। तो मैं मोटा सेठ से या पद्दू सेठ से कहूँगा कि इनको लेके आओ सेठ, इनको यमुना पान कराना है, तो गाड़ी आपको लग जाएगी और यहाँ से ले जाएंगे और लेकर के आपके पास आ भी जाएंगे, वो आपको लेकर के ब्रज घुमा करके ले भी आएंगे। दस पंद्रह दिन को नहीं, तो कितने दिन के लिए आप ब्रज पर कृपा करेंगे महाराज, जो ब्रज आप पर कृपा करे? यहाँ ब्रज ही है। हाँ जहाँ सेवा करते हैं आप वही ब्रज है, ये तो मैं भी मानता हूँ, ब्रज यही सब यही है, सब यही है। मैं यहाँ मोरझरिया न्यात का गौर हूँ, मोरझरिया फैमिलीज जो भी हैं, रायचौरा है, मोरझरिया है, मोरझरिया विठल भाई, विठल दास हरी, विठल दास, विठल बाबा, ये किशोर मिल वाले, किशोर मिल वाले बड़ा आदमी है सब, दीप मसाले वाला, पीपरमेंट बा, डाया लाल हमारे क्या कम दे थे सब, आपके ससरा साहेब सब बड़ा आदमी है, यहाँ नहीं आते कोई, कोई बात सब नहीं, सब बड़ा आदमी है यहाँ नहीं आते कोई, हमारे लिए तो सभी बड़े आदमी हैं, और आप भी बड़े आदमी हैं, ये नहीं है कि हम मानते कि वो गरीब आदमी है उसके पास जाने का नहीं, अमीर आदमी है उसके पास जाने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। गौर कांजी पूछा का आप लोग सब हाड़का हो, और मैं गांजी गौर का पोतरा हूँ, और इसीलिए मैं आज रसिक बाबा से बात करने आया, रसिक बाबा ने मेरे को टाइम दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ।